नमस्कार दोस्तों, आपका धनमंत्री कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, शुगर के प्रति आज मैं एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और दोस्तों, ऐसा इलाज कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, और उसकी वास्तविकता के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वो चीज़ क्या है? वो मुफ्त की चीज़ है। अगर कोई भाई उस चीज़ को करना चाहे तो बेशक कर सकते हैं। और शुगर हो, पेनक्रियाटाइटिस हो, या जिन भाइयों का शुगर की वजह से वीर्य का पतलापन होना, ये सारे जो चीज़ें हैं इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए बताता हूँ कि ये दवाई क्या है। दोस्तों, जैसा कि मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ आपको, जैसे कहा गया है कि जल ही जीवन है, और जहाँ कहीं पानी खड़ा होता है, या जैसे आपका सीमेंट है, फर्श है, या आपका घर आंगन है, तो जहाँ कहीं पानी ठहराव होता है या इकट्ठा रहता है या लगातार बहता रहता है, वहाँ पे जो आपको अलगाई है, काई जिसको कहते हैं, शैवाल जिसको कहते हैं, ये समुद्र में, नदियों में, खड्डों में, ये बहुत आयात आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, इसके जो प्रयोग हैं बहुत ही भिन्न भिन्न हैं और ज़बरदस्त हैं। उन सारे प्रयोगों को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसका फ़ायदा जो है पेनक्रियाटाइटिस में, पेनक्रियाज कैंसर में, ये बहुत ही ज़बरदस्त औषधि मानी गई है। तो दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़ूं और भी कुछ विश्लेषण मैं करना चाहूँगा। दोस्तों, मैंने बहुत सारा प्रयोग काई के या शैवाल के ऊपर पहले किया था, बहुत कुछ जानता था और उसको मैंने प्रयोग भी किया, बहुत सारा लोगों को लाभ मिला। तो हालांकि मैंने इसके बारे में जो बुजुर्गी तजर्बा था वही था जो मुझे अपने पैतृक, अपने दादा परदादा से मिला था पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद बहुत किताबें ढूंढने के बाद मुझे वाकई ही वो नुस्खा भी मिल गया, और फिर मैं और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया कि वाकई ही चीज़ बहुत कारगर है। तभी जो बुज़ुर्ग लोग थे इसका प्रयोग करते थे और इसका बहुत ही महत्व है। ये दोस्तों एक ऑटोमेटिकली ऐसी वनस्पति है जो अपना भोजन जो है अपना भोजन सूर्य की रोशनी में ही तैयार करती है और पानी के अंदर। तो दोस्तों, इसकी औषधि आप किस ढंग से तैयार करते हैं या करेंगे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों, अलगाई या शैवाल जो है वो बहुत बड़ी औषधि है एक, तो इसका प्रयोग आप कैसे करेंगे? और उससे पहले जो इसके जो शैवाल है उसके मत जो है वो बताने जा रहा हूँ। यूनानी मत के अनुसार ये गर्म है, लेकिन आयुर्वेद के मत के अनुसार ये ठंडी है। और दोस्तों, ये अलगाई या शैवाल जो है वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये भी बताऊंगा इस वीडियो में, और इसको आप प्रयोग कैसे करेंगे ये भी मैं पूरा बताऊंगा। इसके लिए दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, और अलगाई या शैवाल से आप और भी कितने रोगों को ख़त्म कर सकते हैं ये भी इसी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो इस करके आप ये पूरा पूरा वीडियो देखें। सबसे पहली बात, शैवाल में ये जल्दी हजम होने वाला है, यानी कि बहुत ज़्यादा तीव्र डाइजेस्टिव है, यानी कि ठीक से जल्दी हजम हो जाता है। और इसको यूँ कह सकते हैं कि ये आदमी के अंदर, पेट के अंदर भोजन का कार्य करता है। और दूसरा एक और चीज़, मान लिया कोई कट जाता है या जल जाता है, तो आप उसको वहाँ पे उसका अलगाई को लेकर पुल्टिस बांध सकते हैं, यानी कि थोड़ी सी लेकर के आप वहाँ पे बांध सकते हैं। अगर आप इसको जौ के आटे में मिलाकर इसकी वहाँ पे एक लेप या पुल्टिस बांध देते हैं तो जख्म को जल्दी ठीक करता है। आगे दोस्तों, एक और बड़ा विचित्र प्रयोग है कि 3 माह से अगर इसके सूखे पाउडर को, जैसे अलगाई सूख जाती है और कब सूखती है ये भी बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो देखेगा। अगर इसके पाउडर को, अलगाई के या शैवाल के पाउडर को 3 माह से
कोई स्त्री लगातार खाए तो उसको कभी फिर संतान नहीं हो सकती। दूसरा, बच्चों के लिए बहुत बड़ा नुस्खा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कि उनको हरे पीले दस्त जो हैं वो बार बार लगते रहते हैं, या वो किसी दवाई से काम नहीं होते हैं या कोई दवाई उनके ऊपर काम नहीं करती है। तो ऐसे में, ऐसी स्थिति में आप उस बच्चे को जो शैवाल है उसका बच्चे की आयु के अनुसार उस बच्चे को आप थोड़ा सा जो शैवाल का पाउडर है वो दे सकते हैं, आपके बच्चे के जो हरे पीले दस्त हैं वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और इससे आपका बच्चा जो है वो कमज़ोर भी नहीं होगा। अब आगे बात आती है जो शुगर के लिए, शुगर के लिए आप इसकी दवाई कैसे प्राप्त करेंगे और कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये आपको कब, किस मौसम में सबसे बढ़िया रहेगा और कब आपको इसको लाना होगा। दोस्तों जब भी आपका मतलब जैसे अक्टूबर नवंबर, या अगर आप इसको जैसे अप्रैल मई जून के महीने में अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और ये लाना कौन सा है आपको, देखिए इसके दो प्रोसेस है लाने के। एक तो अगर आप हरे रंग की जो शैवाल है जो पानी के अंदर, वो ज़मीन से भी सटा ना हो नीचे और लहरों की तरह अंदर शैवाल जो है उसको आप घर पे ले आइए और किसी साफ जगह के उसको ऊपर डाल करके आप उसको सुखा लीजिए, आप इसका पाउडर बना लीजिए, यानी धूप में इसको रखिए, छाया में सड़ जाता है, इससे में बदबू आती है। तो आप इसको क्या करें, धूप में ही सुखाएं और ऐसी साफ़ सुथरी जगह सुखाएं कि ये बढ़िया से सूख जाए, बाद में इसका आप पाउडर बना सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि जब भी खड़ों या साफ़ नदी नालों का पानी सूख जाता है, पानी साफ़ होना चाहिए, गंदगी ना हो वहाँ पे, ऐसी जगह से लाएं और पत्थरों के ऊपर वहाँ पे ये शैवाल जो टिक जाता है और टिकने के बाद वहाँ पे एक खरपड़े जैसा हो जाता है, यानी कि जब ये धूप में सूख जाता है, अच्छी तरह सूख जाता है, तो आप उस साफ़ पत्थर के ऊपर से इसको ला सकते हैं और इसको वो वहाँ सूखा ही मिल जाएगा आपको, तो उसको आप बारीक पाउडर जो है कर सकते हैं। अब शुगर की आप मधुमेह के लिए कैसे दवाई तैयार करें, ये इसका मैं प्रोसीजर आपको बताने जा रहा हूँ। इसका प्रोसीजर ये है कि जब भी आप इसको, अगर आप सूखा जो शैवाल है ले करके, आपने घड़े देखे होंगे, मिट्टी का घड़ा ले लीजिए और उसका कोई छोटा सा हिस्सा, यानी कि पतीली या पतीला नुमा बना लीजिए, उसको ठीकरा बना लीजिए एक, और उसके अंदर आग के ऊपर रख दीजिए, ठीकरे के अंदर आप क्या रखें, शैवाल को रख दीजिए। रखने के बाद आप उसको गर्म करिए और गर्म करने के बाद वो जल जाएगा, शैवाल जल जाएगा। तो क्या करें, आप शैवाल को अच्छी तरह पीस लें, या जैसे उसको जला होगा वो ठीकरे के अंदर उसको रख के जलाएं, आग के ऊपर उसको चढ़ा दें। डायरेक्टली इसको आग के ऊपर नहीं चढ़ाना है, आप इसको ठीकरे के अंदर ही रखेंगे और उसके नीचे आग जला करके इसकी जो भस्म है वो तैयार कर लेंगे। तो भस्म तैयार करने का तरीका ये मैंने आपको बता दिया। अब इसको लेना कैसे है, जितनी आपके पास ये वजन में ये जो इसकी भस्म है शैवाल की वो ले लेंगे, और उतने ही वजन की आप मिश्री ले लेंगे। तो मिश्री और जो भस्म होगी बराबर मात्रा में ले लेंगे। तो आप क्या करें, उसका चार मासे डेली आपको ये लेना होगा, सुबह शाम दो टाइम या तीन टाइम आप ले सकते हैं। किसी भी भाई को किसी भी प्रकार का, इस प्रकार का डायबिटीज़ है वो उसको ले सकता है। और दूसरा इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कि किसी भी भाई का, किसी भी व्यक्ति का वीर्य पतला हो या उसके संतान ना होती हो, क्योंकि वीर्य का पतला होना एक बहुत बड़ी बीमारी है ये भी, क्योंकि इससे जो होने वाले बच्चे हैं या होते नहीं हैं, अगर होते हैं तो बहुत कमज़ोर होते हैं। तो क्या होता है कि अगर वीर्य का पतलापन है तो एक तो आपका वीर्य जल्दी संकलन नहीं होगा, और इस जैसे मैंने वीर्य का पतलापन का ये नुस्खा बता दिया तो इसके दो फायदे होंगे कि एक तो आपका वीर्य का पतलापन भी ख़त्म होगा, और दूसरा क्या होगा कि आपका जो प्रमेह रोग है वो भी ख़त्म होगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी जानकारी थी इस वीडियो के अंदर, तो उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को आप कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए
और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों, मेरे भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको बहुत ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, क्योंकि ये मुफ्त की चीज़ है दोस्तों, आप इसका ज़रूर प्रयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।